इंसान गुनाह करे ना गुनाह, कम अज़ कम उसको ये एहसास तो होना चाहिए कि मैंने गुनाह किया है। और फिर अगर उस गुनाह की वजह से बाद में इंसान तायब भी हो जाए, तो फिर भी जब वो पिछली बात याद उसको कराई जाए तो फिर भी सर झुका ले। हालांकि इस्लाम कबूल करने के बाद पिछले सारी बातें ख़त्म हो जाती। मैंने एक दो जुमे पहले कहा था कि हज़रत उमर का दरबार लगा हुआ था तो दो सरदार मक्के के, सुहैल बिन अमर और अबू सुफियान बिन हरब, हम हज़रत अमीर माविया के वालिद गिरामी, जब हज़रत उमर बैठे हुए थे अपने दौर खिलाफत में तो बिलाल आ गए, हज़रत हबाब आ गए, दोनों ग़ुलाम, बाकी बड़े बड़े सरदार लाइन में लगे हुए थे। हज़रत उमर ने जब इनको आते हुए देखा तो ये लाइन में लगने लगे दोनों, ज़ाहिर इतने बड़े बड़े सरदार जो लाइन में लगे हुए थे, तो हज़रत उमर फरमाया, ओए बिलाल हबाब, ये लाइन तो आड़े वास्ते नहीं लगी, तुसी बगैर लाइन तो आए तवज्जो। तो वो कहने लगे ये क्या बात है, हम मक्के के सरदार और ये हबशे का ग़ुलाम और ये हबाब। हज़रत उमर फरमाया, जब हबाब हो रही थी बिलाल हो रही कुट खा रहे सन ना, तो तुसी सरदारियाँ कर रहे सी, हुण बगैर लैण तो इन्हें ही आना है, हुण तुसी लैण च लग गया हो, ये है। तो जब आदमी को एहसास भी ना हो कि जिन लोगों ने मुमताज़ कादरी के साथ खड़े हुए, और एक वो है जिन्होंने गद्दारियाँ की और नामूस रिसालत के कानून को मजाक बनाया, असम्बलियों में जाकर कहा कि ये है ये वो है, अब वो पिंडी का शेख भी कहने लगा कि मुमताज़ कादरी वोट बैंक है। मैं कहा पुत्रा तेरा वोट बैंक नहीं, मोहम्मद अरबी दे दीन दा वोट बैंक है। तू गुंगया पूरे पिंडी च कदी तू बोलिया नहीं मुमताज़ कादरी दे बा, पिंडी रह के तू दस तू ओदे प्यो नू मिलन गया, अडियाला जेल तेरे को अद्धे घंटे का राह नहीं, तू मुमताज़ कादरी नू मिलन नहीं गया, अज जद हुण वोटां दी वारी आई तो शेर हाफिज का याद आया, हुण पुत्रो वोट मुमताज़ कादरी दा तुहानू नहीं लभना, वोट मुमताज़ कादरी दा उहनां नू लभना है जिन्हां लबैक दे नारे लाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जिहड़ा सी ना, वह हजरे असवद चुम्मण वास्ते मजमा बड़ा सी, बादशाह सी वक्त दा, हजरे असवद चुम्मण वास्ते खड़िया ते आवाम हटती कोई नहीं सी हजरे असवद को, पुलिस आले आए फौज आई उन्हें डंडे मारे, बादशाह खड़िया इंतजार, उन्हें क्या खाली कराओ यार इन्हें चुम्मणा है हजरे असवद, लोग कोई ना हटे, इतनी देर चो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए तो लोग सारा मताफ खाली कर दिता, उन्हें कहा आओ जनाब हजरे असवद चुमो, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक कह लगा ये कौन है, जानता तो है सी, एवं चबड़ा मार रहे सी, जानता तो है सी, तो फरजदक शायर जड़ा सी ना उठ खड़ा होया, कह लगा तू इन्हू ना जानता, इन्हों तो जमीनों आसमान जानता है, तू इन्हों ना जानता। हाँ जी गल इंज, शेख कह लगा वो जड़ा बैठे सी एंकर, वह कह लगा कौन सा मुमताज, मैं कहा पुत्र सारी दुनिया मुमताज नू जानदी, तू ना जानता। हाँ जी तू किस तरह बात करना, मैं कहा सारी दुनिया जानदी मुमताज कौन है। हाँ हूँ भी मैं दस दिन भाई फेसबुक से भाई सिर्फ मुमताज लिखो तो मुमताज कादरी आंदा है दुनिया, मैं तो जानता कोई नहीं, मुंडे मैं दस दिन, मैं कहा गल विच होर कि मुहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। एंकर नहीं जानता मुमताज कादरी, मुमताज कादरी तो सारी दुनिया जानते, तुसी हुण आए जो कहो जी कौन मुमताज पुत्र होने ना गल्ला नाल गल बननी कोई नहीं, हुण वक्त गुजर गया। हाँ हुण वक्त गुजर गया, जिन्हां हजूर नाल वफा की वक्त उन्हां दा भी गुजरिया, जिन्हां बेवफाई की वक्त उन्हां दा भी गुजरिया। हाँ हुण ते वक्त आने वाला है इंशाला, हुण गली महल चो एक ही नारा आना है, हर घर विचों एक ही नारा आना है, हर फैक्ट्री विचों एक ही नारा आना है, हर दुकान विचों एक ही नारा आना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह।